बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर अब नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक जो खाते पिछले 2 सालों से एक्टिव नहीं है, बैंक उन पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने की पेनल्टी नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें इनएक्टिव रूप से क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे खाते 2 साल से ज्यादा समय तक भी एक्टिव नहीं है फिर भी इन्हें इनएक्टिव नहीं किया जाएगा। ये नियम अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने बंद पड़े अकाउंट को दोबारा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए यूजर को कोई भी एक्टिवेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात अनक्लेम डिपॉजिट की करें तो ये वो पैसे होते हैं जो आपके खाते में पिछले 10 सालों से इन पर किसी ने दावा नहीं किया है। इस डिपॉजिट की राशि को सभी बैंक आरबीआई के डिपॉजिट या फिर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक अनक्लेम डिपॉजिट में 28% की तेजी थी, यानी कि 42,272 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट में थे। इसके साथ ही आरबीआई के निर्देशों के बाद बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम डिपॉजिट कम होगा और वो इन पैसों को सही देनदारों तक पहुंचा पाएंगे। इसके लिए बैंक देनदारों से एसएमएस, मेल या फिर लेटर के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक कस्टमर को उसके बैंक अकाउंट के इनएक्टिव होने की जानकारी भी देंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।